दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपनी आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में सीएम केजरीवाल को यह राहत दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरा मानना है कि यह कोई नियमित फैसला नहीं है। इस देश में बहुत से लोग मानते हैं कि विशेष छूट दिया गया है। अभी वे अरविंद केजरीवाल एक और मुद्दे स्वाति मालीवाल हमले में फंसे हुए हैं, उन्हें इससे मुक्त होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से कहा था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो भविष्य में अदालत के सामने ऐसे नेताओं के आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी जो चुनाव के दौरान प्रचार के लिए जमानत मांगने अदालत पहुंचेंगे। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने उनकी दलील को नज़रअंदाज कर दिया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए आरोपों का जवाब दिया है। न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए मेरे पास एक बुरी खबर है कि 2029 के बाद भी पीएम मोदी ही बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा था कि आप संयोजक को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ शर्तें भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वे अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे। अरविंद केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने के लिए एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे जरा भी तवज्जो नहीं दी। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के हिरासत में रहने की वजह से वह मुख्यमंत्री पद के संवैधानिक दायित्व को निभाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्हें इस पद पर रहना चाहिए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हिरासत में रहते हुए केजरीवाल का सीएम पद पर रहना या न रहना नैतिकता का सवाल हो सकता है, पर ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है जिसका हवाला देकर उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की जाए। कोई एक्शन लेना है तो एलजी ले, लेकिन हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।